देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के रावजी बाजार पुलिस ने दो युवकों को गांजे के साथ पकड़ा है। दोनों पेशे से मजदूर हैं, कमाई के चक्कर में गांजे की डिलीवरी करने निकले थे। रावजी बाजार जांच अधिकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के नाम विजय निवासी पाटनीपुरा और गुलाब निवासी बांगड़ा है। कल दोनों एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चंद्रभागा हनुमान मंदिर के पास रोककर उनकी तलाशी ली तो 630 ग्राम गांजा एक झोले में रखा हुआ मिला। जब्त गांजे की कीमत 35,000 रुपए है। गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करा है, किस प्रकार की कार्रवाई है? ये दिनांक 1/12/21 के रात की घटना है, जिसमें पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर चंद्रभागा पुल हनुमान मंदिर के पीछे से दो व्यक्तियों को पकड़ा गया था, जिनके नाम विजय पिता मुरलीधर बारोट, उम्र 58 साल, निवासी नादिया नगर पाटनीपुरा इंदौर, एवं दूसरा गुलाब पिता मनीराम पाल, उम्र 53, निवासी 10/3 सुविधि नगर बांगड़गा इंदौर के हैं, जिनके कब्जे से 630 ग्राम गांजे का एक पैकेट जब्त हुआ है। उनके खिलाफ एनपीए की कार्रवाई करके वापसी पर धारा 8/20 एनपीएस एनपी के तहत अपराध पंजीकृत कर दिया। सर, पूछताछ में क्या सामने आया, कहाँ से लेके आया था और कहाँ सप्लाई करने वाला था? इन्होंने पूछताछ में जो जब्तीकर्ता है उनको मेमो लेख करवाया था, जिसकी तस्दीक एक टीम भी रवाना हुई थी, लेकिन अभी उस टीम के द्वारा वहाँ पर उस व्यक्ति का होना नहीं पाया गया है। लगभग विवेचना में बताई गई व्यक्ति की स्थान की अलग से पता चलने का प्रयास किया गया। सर, लगभग कितने में गांजा होगा? ये करीबन 30 से 35 हज़ार रुपये की। आपका नाम? मैं उप निरीक्षक अजय सर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।